हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉर्च लेकर आया हूँ जो कि इसका चार्जिंग प्रॉब्लम बता रहा था। चेक करके देखा था एक बार। एक चार्ज चार्ज के लगाने पे चलता है, पर चार्ज हटाने के बाद नहीं चल रहा है। और ऐसा दिखा देता हूँ, इसके लिए हम चार्जिंग करके मीटर से एक बार चेक कर लेता हूँ वोल्टेज कितना है। वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा। मीटर पर देखिए 2.5 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो बैटरी चार्ज बता रहा है 1.1, बैटरी चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखो चार्ज लगा दे रहा हूँ, 5 वोल्ट आ रहा है। बिल्कुल इसका प्रॉब्लम बैटरी पे ही है। ऑन करने पर जल रहा है, पर ये चालू ऑफ कर चार्जर झाँकने के बाद बिल्कुल नहीं जल रहा, 1.5 बता रहा है। ये मैं दूसरे टॉर्च से निकाला हूँ, जो बैटरी देखता हूँ चेक करके सही कि नहीं ऑक्सी का, ये वो चेक कर लेते हैं इसको। इसका बैटरी चार्ज 2.5 है, 2.85 वोल्ट है, यानी कि 2 वोल्ट चार्ज है मैक्सिमम। और इसका चार्जिंग है तो पूरा डेड हो चुका है, चार्ज ही नहीं जा रहा। इसको चेंज करके इसमें लगाना है, बस दूसरे से निकाल कर लगाना है। दोस्तों, बैटरी को अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया हूँ घर पे, और इसको सेट करूँगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बन के रेडी हो गया।